फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किसमें खाना बनाना चाहिए। यानी कि दुनिया में बहुत तरह के मेटल्स मिलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स एक तरह से खाना बनाते थे, हम अभी दूसरे तरीके से खाना बनाते हैं। तो कौन सा मटेरियल या मेटल बेस्ट है हमारे हेल्थ के लिए एंड कन्वीनियंस के लिए। मैं आपको जो भी टिप देना चाहती हूँ वो प्रैक्टिकल हो, यही मेरी चेष्टा होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे मतलब अपने बुरे से अच्छा मतलब वर्स्ट मटेरियल हम क्या यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे सबसे बुरा क्या होता है। जी हाँ, सबसे बुरा होता है हम सबका फेवरेट नॉन स्टिक पैंस। हम सबको बहुत पसंद है और आप इसकी हालत देख के समझ सकते हैं कि इसे मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, काफ़ी रिसर्च से मुझे पता चला है कि ये जो नॉन स्टिक पैंस होते हैं इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये खाना नहीं चिपकता है। ये आजकल नए तरह के पैंस आ रहे हैं जिसमें ये देख के, ये वाइट एंड ब्लैक देख के लगता है कि ये हेल्दी है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन है, एक फैशन प्रोडक्ट है। मतलब कि ये जो वाइट एंड ब्लैक आप देख रहे हैं इसका कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, ये रेगुलर नॉन स्टिक पैन है। और इसके ऊपर ये जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है ना, ये जब आप इस पैन को गर्म करते हैं तो सिर्फ आप इसको गैस पे बिठाएंगे, गर्म करेंगे तो इसमें से आप देखेंगे धुआं उठ रहा है। वो धुआं कहाँ से आया? वो धुआं ये जो ऊपर की जो कोटिंग है वो निकलता है। तो ये जो ऊपर की जो टेफ्लॉन कोटिंग है ये उसका धुआं है। तो जब हम इस पे खाना बनाते हैं तो वो धुआं हमारे खाने में चला जाता है और हमारे पेट में चला जाता है। यकीन करिए, ये जो कोटिंग का जो धुआं है, कोटिंग का जो थोड़ा थोड़ा अंश हमारे बॉडी में जाता है, ये आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा नुकसान वाला और ख़राब है। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। आखिर कोई तो रीज़न होगा जो आज के ज़माने में कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, इसे तुरंत हटा दीजिए। मैंने भी हटा दिया है, आप देख सकते हैं, मैं इसे अब बिल्कुल यूज़ नहीं करती। ये नया मेरे पास लाया पड़ा है मगर मैं यूज़ नहीं करती, तो ये एकदम आउट हो गया। जो हार्मफुल प्रोडक्ट है जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वो है सिल्वर। सिल्वर की कढ़ाई, सिल्वर के पैंस हम सभी यूज़ करना सीख गए हैं। कहते हैं कि अंग्रेज इसे अपने जो कैदी होते थे, प्रिजनर्स होते थे, उसको देते थे क्योंकि इसमें से इतना हार्मफुल ये धुआं निकलता है। जो धुआं मैंने अभी आपको बताया, वो जो धुआं निकलता है वो एल्यूमिनियम होता है जो हमारे बॉडी को जाके नुकसान पहुँचाता है। हम सभी यूज़ करते हैं सिल्वर की कढ़ाई, सिल्वर के पैंस, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, मतलब कि सेफ्टी के हिसाब से अगर आप करें सेफ, तो स्टील के टोपी हम सबके घरों में होते हैं, ये काफ़ी सेफ होता है। इसमें से इस तरह का कोई टॉक्सिक कुछ नहीं निकलता है, तो आप स्टील की देगची यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पीतल। पीतल काफ़ी सेफ होता है लेकिन आजकल उसे कोई यूज़ नहीं करता है और ये हमारे लिए और प्रैक्टिकल भी नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, इन सबको देखते हुए मुझे जो लगता है सबसे सेफ है वो है लोहा। एटलीस्ट हम कढ़ाई लोहे की यूज़ कर सकते हैं, तवा लोहा का यूज़ कर सकते हैं। कम से कम ये दो चीज़ में भी अगर हम यूज़ करते हैं, कढ़ाई में जब सब्जी बनती है और उसे जब जो हम स्क्रैप करते हैं कुंती से या जैसे जो भी आप बोलते हैं उसे स्क्रैप करते हैं, तो ये हल्का हल्का आयरन हमारे फूड में मिक्स होते जाता है। इसके धुएं में आयरन होता है जो हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी को आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। फ्रेंड्स, तो इसे आप ज़रूर अपनाइए अपनी रोज की ज़िंदगी में। सब कुछ छोड़ दीजिए, नॉन स्टिक तो सबसे पहले उठा के फेंक दीजिए, सिल्वर को भी हटा दीजिए और आयरन को यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। और इससे भी अच्छा अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाइए। मिट्टी के बर्तन लेकिन आप खरीदेंगे, थोड़े एक्सपेंसिव होंगे और उन्हें काफ़ी लो फ्लेम में बनाना पड़ता है, इसलिए ये प्रैक्टिकल सजेशन नहीं है। प्रैक्टिकल सजेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि लोहे की कढ़ाई, लोहे के लोहे के तवे, एटलीस्ट ये दो चार चीज़ लोहे के अपने किचन में ले आइए। आप देखेंगे कि आपके घर में हेल्थ काफ़ी अच्छा, मतलब हेल्दी वातावरण हो गया है, आपकी बीमारियां कम हो गई हैं। तो फ्रेंड्स,
जरूर देखिए, ट्राई करके जरूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।